ये तस्वीर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये गड्ढा आपके लिए जानलेवा बन सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेशनल हाईवे पर ये गड्ढा है और ये गड्ढा आपके लिए जानलेवा बन सकता है। हम आपको बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेशनल हाईवे पर जब आप सफर करते हैं तो इस सड़क से जब आप गुजरते हैं तो गाड़ी आपकी तेज रफ्तार में होती है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेकिन ये गड्ढा आपके लिए जानलेवा बन सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम लोग जब हाईवे से निकल रहे हैं तो उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में, और ये जो गड्ढा है करनाल के अंदर नमस्ते चौक से, ये आप देख सकते हैं कैसे हादसे हो सकते हैं। और इन हादसों से बचना है तो गाड़ी एक तो यहाँ पर स्लो रखनी होगी, दूसरा यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं तेज रफ्तार में गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं और गड्ढे से जब गाड़ियां निकलती हैं तो अनबैलेंस हो जाता है। कल रात को भी यहाँ पर हादसा हुआ है, आज भी हादसा हुआ है। उस हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उस गाड़ी की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आपको जागरूक करना जरूरी है, इसलिए हमारी टीम मौके पर पहुंची है। ये देख सकते हैं आप कैसे एकदम से दो गाड़ियां अनबैलेंस हो गई और इसी तरीके से तेज रफ्तार से ये गाड़ी यहाँ से गुजरती है। सेक्टर 4 के पास ये गड्ढा है, नेशनल हाईवे पर ये गड्ढा है। अगर आप नमस्ते चौक से ताऊ देवीलाल चौक की तरफ जाएंगे तो वहां पर ये गड्ढा आपको नजर आ जाएगा। दिल्ली की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वहां पर ये गड्ढा है ताऊ देवीलाल चौक से। ये देखिए ये ऐसे ट्रक अनबैलेंस हो रहे हैं, ऐसे गाड़ियां अनबैलेंस हो रही हैं और चार बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं पहला गड्ढा जो आपको नजर आ रहा होगा, उसके बाद दूसरा गड्ढा ये आपको नजर आ रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर दो छोटे छोटे गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति नियंत्रित से बाहर हो जाती है जो गाड़ी की है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और गड्ढा है, ये बहुत बड़ी एक लेन है जहाँ पर गाड़ी अनबैलेंस होती हुई नजर आती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया गड्ढे की समस्या कितनी परेशानी छोटू? छोड़ना तो कुछ नहीं है, ये चार एक्सीडेंट इस पर हो चुके हैं 3-4। मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी गड्ढा भरा जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो, मैं तो ये जल्दी से जल्दी जाओ सरकार से निवेदन। कब से एक्सीडेंट देख रहे हो यहाँ पर? मैं 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 दिन से लगातार हो रही है। किसका खुद का मेरा हुआ है अभी? सर मैं जा रहा था अभी मामी को लेके जा रहा था और जैसे इसमें बाइक जंप हुई है, मामी उछल के नीचे गिरी है, वो इस समय इमरजेंसी में, उनके सिर में बहुत ज्यादा चोट है। अरविंद हॉस्पिटल में फिलहाल जी, इसी गड्ढे पे बाइक जंप हुई है सर। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगे? सर बस ये भर जाए और किसी का नुकसान ना हो। बहुत सारी गाड़ियां अनबैलेंस हो रही हैं। देख रहे हैं सर, ये भी I-10 भी सर, अभी हम बाइक लेने आए थे तब हमारे सामने भी है। आपका हादसा 6 बजे हुआ है? जी 6 बजे हुआ है। अच्छा, बाइक हम यही छोड़ के चले गए थे, किसी ने हमें क्या दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरे वाहन ने किसी ने हमें लिफ्ट दी है, वो हमें जाके पहले सिविल हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ से उन्होंने कह दिया कल्पना चावला में जाना है, फिर हम कल्पना चावला में गए हैं, फिर वहाँ से भी उन्होंने मना कर दिया, तो हम अरविंद हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, अभी वहाँ पे एडमिट है मौके पे नाक में। बहुत सारी गाड़ी ये देख सकते हैं, ट्रक अनबैलेंस हो जाता है एकदम से, ट्रक अनबैलेंस होता है, दूसरी गाड़ी में भी भिड़ने का डर रहता है, साथ ही साथ ये जो ग्रिल यहाँ पर लगी हुई है, रेलिंग लगी हुई है, इसमें भिड़ने का डर रहता है। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ सर, नाक में फ्रैक्चर हो गया, सीटी स्कैन कराया है, सूजन है, पूरे शरीर पे चोट है, बहुत ज्यादा चोट अभी लगी हुई है उनको, उनकी सिर में ज्यादा चोट, अभी तो हम केवल बाइक लेने आए थे। ये देख सकते हैं, ये एक तो तेज रफ्तार होती है नेशनल हाईवे पर और दूसरा ये डर है। प्रशासन से अपील है जितनी जल्द से जल्द वो ये स्थिति ठीक करवा सकता है, ये गड्ढे ठीक करवा सकता है, इन गड्ढों को भरा जाए इमरजेंसी के लिए या यहाँ पर कुछ लगा दिया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपील है, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस से अपील है, नेशनल हाईवे की जो पुलिस है उससे अपील है
कि सेक्टर 4 के पास का ये जगह है। आप ताऊ देवीलाल चौक से नमस्ते चौक की तरफ जाएंगे, वहां की ये तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार तेज है, और गाड़ियों की रफ्तार तेज होने के कारण और ये दूसरी जो परेशानी है, सड़क खराब है, गड्ढा है, 3-4 गड्ढे हैं, एक के बाद एक गड्ढे हैं। हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये लगाया जाएगा ताकि इस तरीके के हादसे ना हो, लेकिन हादसे लगातार बढ़ते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर बता रहे हैं आसपास के लोग 5 से 6 हादसे हो गए। क्या पहले ये किसी को नजर नहीं आया, क्या अब नजर आ रहा है जब लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार ये हाल नेशनल हाईवे का है, जिस पर हम टोल देते हैं, महंगा महंगा टोल देते हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्लो हुई है, तब जाके यहाँ पर पता चल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। अगर गाड़ी तेज रफ्तार में आएगी तो दिक्कत होगी। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये लगाए जा रहे हैं ताकि कोई और हादसा ना हो। शाम को 6 बजे एक भैया अपने परिवार के सदस्य को लेकर घर जा रहे थे, तब हादसा हो जाता है। उसके अलावा जब एक गाड़ी यहां से जा रही थी, तब एक हादसा हो जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार यहां पर हादसे बढ़ रहे हैं और किसी को ध्यान तक नहीं है। जब मीडिया पहुंचता है तो ध्यान में आता है कि यहां पर ऐसी सिचुएशन है। क्या ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आता, क्या हाईवे पुलिस को नजर नहीं आता? हाईवे के बीचों बीच खड़े होकर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब गड्ढा भरने वाली मशीन भी आ गई है। क्या खबर ही जरूरी है? खबर के बिना कुछ इन्हें नजर नहीं आता है। लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लोगों के हादसे हो रहे हैं, और अब इन गड्ढों को भरा जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने देखा किस रफ्तार से जब गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो कितने अनबैलेंस हो जाती है। और फिलहाल उस गाड़ी की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जो इस समय यहाँ पर हादसे का शिकार हुई थी। गड्ढा भरने आए हैं भैया, गड्ढा भरा जाएगा? हाँ जी, भर देंगे। अब गड्ढा भरने आए हैं, सीमेंट वगैरह सब लाए हैं साथ? सारा कुछ है, ये लुक वाली मशीन है। अच्छा, कितनी देर में हो जाएगा सब? डेढ़ घंटा लगेगा। तो 1.5 घंटे में ये पूरी जो मशीन है ये यहाँ पर गड्ढे भर देगी। अब जागा है प्रशासन, अब जागा है प्रशासन। पहले कहाँ था, खबर दिखाओ तो जागेंगे हम, वरना हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। हमने तनख्वाह तो सिर्फ आराम से बैठने की लेनी है ना, हमने तो एसी में बैठने की तनख्वाह लेनी है। हमने थोड़ा ना काम करना है, हमने तो जाने देना है। लोग अगर मरते हैं तो मरने देना है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे रिश्तेदार थोड़ा है वो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शर्म आनी चाहिए, ये हाल सिर्फ करनाल जिले का नहीं है, ये हाल कर पूरे नेशनल हाईवे पर अगर हम बात करें, अपने पंचकुला से लेकर दिल्ली तक ऐसे बहुत सारे पैचेस हैं जिन्हें भरने की जरूरत है। अगर वो नहीं भरे जाएंगे तो रोजाना हम इसी हादसों का शिकार हो सकते हैं। कभी आपको नेशनल हाईवे पर सफर करना है, कभी हमें नेशनल हाईवे पर सफर करना है। गाड़ी थोड़ी दूर है, लेकिन मैं आपको उस गाड़ी की तस्वीर दिखाऊंगा जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। किस तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कितना अनदेखा करता है प्रशासन, ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां बरतता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है जिसके कारण लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं, हादसा हुआ है, और ये हादसे का जो कारण है वो गड्ढे हैं, और 4-5 इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि गाड़ी जैसे उसमें उतरती है अनबैलेंस हो जाती है, और अनबैलेंस होने के कारण ये गाड़ी की तस्वीर देखिए आप। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किस हालत में है,
आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जितने लोग थे वो फिलहाल अस्पताल में हैं। ये गाड़ी चकनाचूर हो गई है। ये गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई है, इसका कारण है वो गड्ढे। गड्ढों के अंदर ये गाड़ी आती है, गाड़ी उछलती है और गाड़ी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। 3 से 4 पलटी लगी है और ये रेलिंग पे, इस रेलिंग पे गाड़ी आती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, भैया कैसे ये वाला हादसा कैसे हुआ था बेटा? ये गाड़ी वहाँ खड्डे में से आई, फिर इस पे 3-4 रोलिंग खा गए, यहाँ गिर गई। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 थे, माँ बेटे थे ना दोनों। 2 लोग थे इसके अंदर, और उससे पहले भी हादसे हुए हैं? 6-7 रोज के हुए हैं। तो 6-7 रोज, 6-7 कल हुए और 5 आज हुए हैं कम से कम। आज तो राखी का त्योहार भी है, 5 आज हुए। 10 मिनट वहाँ खड़े होकर देख लोगे ना आप, और सीन दिख देंगे यहाँ पे। अब आ गए हैं वो भरने, अब तो भरने के लिए आ गए हम। पहले कोई नहीं आ रहा था ना, अब कैसे ऊपर हो जाएगा। सर ये भी कुछ बोलना चाहता है। हाँ जी सर, उन पे इतना खर्चा हो रहा है इस समय, सर बताओ हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट है सर, आप पता कर सकते हो सर? जो शाम 6 बजे एक्सीडेंट हुआ है। हुआ कैसा था, क्या हादसा हुआ? बस वो बाइक पे आ रहे थे आराम से, और जैसे ही उसमें गड्ढे में जंप हुई, मामी उछल के नीचे गिर गई, उनका सिर लगा नीचे जाके। उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर है, हाथ तो पैरों में बहुत चोटें हैं उनकी। किसकी लापरवाही है ये? सरकार की लापरवाही सर ये। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर? बस अब ये गड्ढा भरा जाए और हमारे लिए कुछ करा जाए सर, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है लोग अपने सिर्फ घर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि सड़क पर मौत डोल रही है और ये गड्ढे किसी के लिए भी जानलेवा बन सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जब नेशनल हाईवे पर निकलते हैं, टोल देते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपका सफ़र आरामदायक होगा, आप आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएंगे, आप आसानी से अपना सफर तय कर लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो सड़कें हैं वो आधी अधूरी हैं, और अगर आपका ध्यान भटका या आपकी गाड़ी की रफ्तार हल्की सी तेज हुई तो वो आपके लिए जानलेवा बन सकती है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हर कोई गाड़ी की रफ्तार तेज रखता है। और ऐसे गड्ढे करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक बात की जाए या फिर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बात की जाए, आपको रास्ते में हर जगह नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये गड्ढे काफ़ी और ज़्यादा थे और उसके कारण जो हादसे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि रोजाना 6 हादसे कल हुए हैं, 5 हादसे आज हो गए हैं, शाम 6 बजे से वो देख रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि गाड़ी कैसे अनबैलेंस हो रही थी जैसे उस गड्ढे में जाती है, क्योंकि लोगों को अपना सफ़र तय करना है, लोगों को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, और गाड़ी जैसे ही उस गड्ढे में जाती है तो गाड़ी अनबैलेंस होकर कभी लेफ्ट हो जाती है, कभी राइट हो जाती है, या कभी किसी और गाड़ी में घुसने लगती है। लेकिन ऐसे में अब प्रशासन जागा है और गड्ढा भरने वाली मशीन मौके पर पहुँची है, ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से हम आपको वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर गड्ढा भरने वाली मशीन पहुंची है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल नेशनल हाईवे से, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से एक बुरे तरीके से जो है हादसा जो है सड़क हादसा सामने आया है, जहाँ पर एक खड्डे की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है सुबह से लेकर जो है कई हादसे जो है वो आज यहाँ पर हो चुके हैं। गाड़ी आप देखते हैं कि आईटन गाड़ी है जो कि खड्डे में जाकर जो है अनबैलेंस हो जाती है, और उसके बाद 3 से 4 पलटी जो है रेलिंग के ऊपर जाकर जो है खा जाती है। उसके बाद जिसमें जो है कई व्यक्ति जो सवार थे उनको जो है फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, और देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरी गाड़ी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो चुका है, काफ़ी गाड़ी जो है आगे से पूरी जो है ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद इनको जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, पानीपत नंबर गाड़ी का है। और उसके बाद एक और व्यक्ति जो है इससे पहले जो है हादसे का शिकार हुआ था, बाइक पर जो है अपने रिश्तेदार के साथ जो है जा रहा था, लेकिन उसके बाद खड्डे में जो है बाइक जो है वो यहाँ पर आ जाती है, और उसके बाद बाइक से जो है एक महिला गिर जाती है, उनके जो है सिर पर नाक पर जो है चोट बताई जा रही है, उनको जो है फिलहाल निजी अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया है, काफ़ी ज़्यादा चोटें जरूर आई है। लेकिन जैसे ही खबर चलती है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ खबर दिखाता है, उसके तुरंत कुछ ही मिनटों बाद जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से जो है यहाँ पर कर्मचारी आ जाते हैं, अधिकारी आ जाते हैं, और उस खड्डे को जो है तुरंत भरने लग जाते हैं, क्योंकि लगातार रोजाना जो है यहाँ पर हादसे हो रहे थे। जब आज हमें जानकारी मिलती है तो उसके तुरंत बाद जो हम यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, लाइव चलाते हैं, खबर चलाते हैं, और उसके तुरंत बाद जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, और उसके बाद खड्डे भरने का काम जो है वो तुरंत जो है शुरू कर दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि आज भी जो है 4 से 5 हादसे जो है यहाँ पर हुए हैं, इसमें से 2 हादसे जो है हमने आपको अभी दिखा दिए हैं, तुरंत
कुछ ही देर में जो है दो हादसे सामने आए, लेकिन काफ़ी दिनों से जो है खड्डा यहाँ पर था उसको जो है अब जाकर भरा जा रहा है, जब प्रशासन तक जो है ये बात पहुँचती है। लेकिन पहले क्यों नहीं ऐसा काम किया गया जिससे जो है एक बड़े हादसे जो है होने से कहीं ना कहीं बच जाते। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ से अगर कोई भी गाड़ी जो है गुजरती है तो अनबैलेंस हो जाती है, एकदम से उछल जाती है। अगर उसमें कोई पेशेंट हो या कोई एम्बुलेंस हो या कोई कहीं से कहीं जा रहा हो तो उसका हाल क्या होगा वो भी जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल गड्ढे जो है भरने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देरी में जो है यहाँ पर जो है गड्ढा भर दिया जाएगा। देखते हैं कि पूरी जो मशीन है वो यहाँ पर जो है लगा दी गई है ताकि कोई और हादसा जो है यहाँ पर ना हो। उसके लिए जो है यहाँ पर फिलहाल रूट भी जो है जो आदर्श सड़क है वो बंद कर दी गई है ताकि कोई भी अगर यहाँ से सवारी गुजरती है तो इस खड्डे में से होकर जो है ना जा सके। फिलहाल मशीन के जरिए जो है देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल खड्डे भरने का काम जो है वो तुरंत शुरू कर दिया गया है। जैसी जानकारी मिलती है वैसी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो जो है तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है पहले ही जाग जाना चाहिए था, पहले ही जो है इन गड्ढों को भर देना चाहिए था, क्योंकि जो आज एक महिला जो है इस हादसे का शिकार हुई है जो कि एक निजी अस्पताल में भर्ती है उनके जो है सर पर चोट ना आती, क्योंकि एक महिला है हो सकता है अपने भाई को राखी बांधकर जो है आ रही हो। लेकिन अब करनाल पहुंचते पहुंचते जो उनके साथ एक बुरा हादसा हो जाता है जो कि कई और अन्य हादसे जो है यहाँ पर हुए होंगे, क्योंकि आसपास के जो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं उनका ये कहना है कि ऐसे ही हादसे जो है रोजाना वो देखते हैं। लेकिन आज जब हमें जानकारी मिलती है तो हम तुरंत जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच जाते हैं क्योंकि कोई और अन्य हादसा जो है यहाँ पर ना हो सके। खबर दिखाए जाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्रशासन तक जो है आवाज पहुंच सके और आवाज पहुंचती भी और उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो है मौके पर पहुंच जाते हैं और काफ़ी कतारें जो है लाइनों की यहाँ पर लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है सड़क का जो हिस्सा है उसे बंद कर दिया गया ताकि कोई और अन्य हादसा जो है वो यहाँ पर ना हो सके। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नेशनल हाईवे पर जो है जगह जगह पर ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे सड़कें जो है टूटी हुई नजर आ रही है, उसके कारण कई बड़े हादसे जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खास तौर पर जो दो टू व्हीलर है जो दो पहिया वाहन चालक है उनके जहाँ जो ऐसे हादसे ज़्यादा होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि नेशनल हाईवे हो या कोई भी सड़क हो उस पर जो है ध्यान से चले, रफ्तार का जो है जरूर ध्यान रखें। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल वेकी न्यूज़, करनाल।